Welcome to The Laughing Stock, presented by The Circus. किसी भी शो के स्टार्ट होने से पहले जो सबसे एक मुश्किल मरहला आता है वो ये आता है जब आपको एक फ़ोन आता है, आपसे पूछा जाता है कि यार अपने बारे में ना दो चार लाइनें बता दें कि आपको क्या क्या के इंट्रोड्यूस किया जाए, आपको किस तरह से स्टेज पे बुलाया जाए। अब मसला ये होता है जब बंदे की लाइफ में अचीवमेंट्स बड़ी कम हों या इस तरह की हों जो कि डॉक्यूमेंट नहीं की जा सकती या नहीं बताई जा सकती, तो मामला बड़े संगीन हो जाते हैं। गरीब आदमी के लिए लाइफ बड़ी मुश्किल है। अब आज से कुछ साल पहले तक भाई मसला ये था कि अपन ना पढ़ाई में अच्छे थे ना खेल में अच्छे थे। अब अपने साथ के जो लोग थे उसमें कोई बहुत अच्छा गिटारिस्ट था, कोई बहुत अच्छा ड्रमर था, कोई बहुत अच्छी बीट बॉक्सिंग करता था, फिर सस्ते टैलेंट वाले लोग भी मौजूद थे जो एक कश लगा के मल्टीपल जगह से धुआं निकाल के दिखा सकते थे। कोई थूक और पान की पिचकारी ऐसे फेंकता था दांत के बीच से कि बॉर्डर के दूसरे जाए गिरती थी, टैलेंट था। कोई यहाँ हाथ रख के 25 तरह आवाज़ें निकाल लिया करता था। अब मसला ये था कि अपन के पास ना कैटेगरी ए में कुछ था ना कैटेगरी बी में कुछ था, तो भाई कॉम्प्लेक्स का शिकार था अपन। क्या सीन है यार, कुछ हो नहीं रहा। फिर दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, ये जो तो मूवी फायरिंग करता है ये स्टेज पे का, इसके पैसे हैं। तब ये पता लगा कि भाई गरीबों का भी खुदा होता है। अब्बा हमारे फौज में, अच्छे से फौज में नहीं है, वो रिलीजियस भी हैं। वो इतने रिलीजियस हैं कि माशाल्लाह हम 6 बहन भाई हैं। उसके बाद अब्बू लिबरल हो गए, वो ख्याल आ गया कि ये टू मच हो गया। अच्छा मेरे जो अम्मा अब्बा थे लवली पीपल। अब मसला ये कि ना उनको एक चीज़ कभी समझ नहीं आती थी कि यार क्योंकि बच्चा फेल कैसे हो सकता है, कहते तुम फेल कैसे हो गए। मैंने उनको बड़ा समझाने की कोशिश की कि भाई कि ये फेल होने को इतनी बड़ी साइंस नहीं है, हो सकते हैं हम। फिर मैंने उनको 5-6 तरह हो गए भी दिखाया, नई नई तरह से होके दिखाया, मगर उनको बात समझ नहीं आई। अच्छा मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम फेल हुआ केमिस्ट्री के पेपर में। ये वो मनहूस पेपर है जिसके साथ मेरा डोमेन्स जो है काफ़ी लंबा अरसा चला, उसके बाद पे मैंने गिव अप कर दिया। जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हुआ तो बायोमेंथली का एग्जाम था, केमिस्ट्री का पेपर था, वो आया, मैंने खोला, देखा पेपर में कुछ कोई एक सवाल ऐसे नहीं था जो मुझे आता था, कुछ नहीं आता था। अच्छा मैंने दस्ती दस्ती दाएँ बाएँ देखा तो मैं देखा लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इस दफ़ा हिस्ट्री का सबसे हल्का पेपर आया है, इससे आसान पेपर बन नहीं सकता था। मैंने कहा यार उसको मतलब किसी से पूछ भी नहीं सकते, बातें भी तो लाखों करोड़ रुपए की हुई थी क्लासों में, क्या करूँ। अब खाली पेपर भी नहीं दे सकता था, कुछ ना कुछ तो कचरा उसमें भरना था। अब पेपर जितना छोटा हो सकता था मैंने उसको कर लिया, दोनों तरफ लाइनें लगा ली, सवाल भी लिख लिए, बट स्टिल जगह बहुत सारी खाली थी। ढूंढ ढांड के आपके भाई ने एक सवाल निकाला, 2 मार्क्स का था, उसमें ये पूछा था व्हाट इज सीमेंट, यानी कि सीमेंट क्या होता है, और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ बताएं थे। महंगा काम था, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया उसको किस तरह करना है, उसको हम जाने देते हैं। मैंने शुरू किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, व्हेन देयर वाज नो सीमेंट। 1-1.5-2 पेज तो भाई मैंने इंसान को रखा है जंगलों में गारों में, वहीं वो लोग घूमते रहे बेचारे। उसके बाद फिर दूसरे तीसरे पेज पे भाई मैंने दस्ती दस्ती सीमेंट दरियाफ्त करवाया, उसमें ज़्यादा बात नहीं की मैंने, तो निकालो इस टॉपिक को भाई। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, फैक्ट्रियाँ लग गईं, बनी नौ इंसान के लिए मज़े हो गए उनके भाई। 1947 तक लेके आया मैं, मैंने पाकिस्तान बनाया। अच्छा जब मैं लिख रहा ना 2-2.5-3 पेज हो गए, इसके लौंडे बैठे देखे कहेंगे अली भाई क्या लिख रहे हो यार, भाई चानी प्लीज़ थोड़ा सा दिखा। मैं कहा नहीं नहीं ये पर्सनल कंटेंट है, ये नहीं दिखाया।